हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे एक नए वीडियो। तो दोस्तों, बहुत से लोगों का कमेंट आता है कि हमारे ट्विटर जो बार बार जल जाता है, उसका दोस्तों मेन रीज़न ये है कि आप जो मतलब जो ट्विटर चलाते हो, बहुत से लोग कैपेसिटर्स चलाते हैं, नेटवर्क प्लेट्स नहीं चलाते। जब नेटवर्क प्लेट से चलाते हैं तो उसका लोकल या ओरिजिनल ये फ़र्क नहीं समझ पाते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी नेटवर्क प्लेट आपको लेनी चाहिए, कैसे HF आपका कितने वाट का होना चाहिए और नेटवर्क प्लेट कितने की होनी चाहिए। तो हर चीज़ मैं आपको दोस्तों इस वीडियो में आपको डिस्कस करूँगा। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे हमने 450 के HF ली हुई है, यहाँ पे 450 के यहाँ पे ट्विटर भी लिया हुआ है। ये देखिए, आप देख सकते हैं जो कि आपका आता है 60 वाट में। तो दोस्तों, आप अभी मैंने आपको जैसा आपको दिखाया, तो दोस्तों बहुत से लोगों का कमेंट आता है कि हमारा HF बार बार बहुत जल्दी जल जाता है। तो दोस्तों, वहाँ पे मेन रीज़न आता है कि आप जो HF लेते हैं तो आप मतलब वो क्वालिटी की नहीं ले पाते हैं, या जब आप नेटवर्क प्लेट लेते हो या क्रॉस ओवर भी हम उसको बोल सकते हैं, वो लोग दोस्तों वो बहुत से लोग नहीं ले पाते, जिस वजह से अब जब आप बेस डालते हैं स्पीकरों में तो ओम की वजह से वो आपको मैच नहीं हो पाता। तो दोस्तों, स्पीकर ट्विटर चलने का एक और रीज़न है जो स्पीकर मैच नहीं होना, कि आप कितने वाट में कौन सा ट्विटर डाल रहे हैं। तो सबसे बड़ा वो रीज़न आ जाता है कि आप कौन सा कितने में डाल रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे हम बात करेंगे 450 की, 450 का ट्विटर और 450 का जो मॉडल आता है नेटवर्क प्लेट की, और कितने वाट के स्पीकर में हम इसको चला सकते हैं, कितने वाट तक के स्पीकर में इसमें हम चला सकते हैं। तो हेलो दोस्तों, आपका बहुत स्वागत है मेरे एक नए वीडियो। आप देख रहे हैं पायल डीजे किंग यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, इस चैनल जो भी ना हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह की वीडियो चैनल में मिलती रहती है। तो दोस्तों, आप इस समय देख सकते हैं, ये देखिए 450 का नेटवर्क प्लेट, जो कि आपको हमारा होने वाला है नेशनल की तरफ से, नेशनल मेहता जो कंपनी आती है वो हम यहाँ पे यूज करें। इस नेटवर्क प्लेट की आप क्वालिटी देख सकते हैं, बहुत हैवी क्वालिटी है, काफ़ी वेट भी इसका हैवी है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप एक इसकी वाइंडिंग की गई है जो कि इसको और ज़्यादा पावरफुल बनाता है। और अदर नेटवर्क प्लेट में क्या आता है कि यहाँ पे आपको दोस्तों ये जो MGE जो 25-25 वाट के जो लगे होते हैं कैपेसिटर, सिर्फ वही लगे होते हैं, इसमें आपका इसको आप ट्रांसफार्मर या कुछ भी इसको बोल सकते हैं, तो ये उसमें नहीं लगा होता है, जिस वजह से आपका नेट जो आपको जो 450 है वो आपको बार बार जलता है। तो सबसे पहले तो आप ये हमेशा ध्यान दीजिए, आपके अगर आपको जैसे आप ये देख सकते हैं HF 450, अगर आपको 450 HF है तो आपको नेटवर्क प्लेट भी 450 की ही लेनी पड़ेगी। अगर आपको जो HF 518 है तो आपको उसके नेटवर्क प्लेट भी 518 का ही लेना पड़ेगा। तो दोस्तों, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि आपको जो सबसे पहले आपको बेहतरीन क्वालिटी की आपको नेटवर्क प्लेट लेनी पड़ेगी, जिस वजह से आपका ये कभी ख़राब नहीं होगा। जो दोस्तों मेन रीज़न आता है, जो जब ये ख़राब होता है, तो अभी मैं आपको स्पीकर भी दिखाऊंगा तो ये ख़राब कैसे हो। जब दोस्तों आप मान लीजिए इसको आपने 15 के टॉप में इसको लगा दिए, 15 में टॉप लगाने के बाद जब आप स्पीकर इसमें फोर्स पड़ता है तो जब एयर लगता है तो ये पार्ट इसके खुल जाते हैं। तो इसमें देखिए ग्लू भी लगाया गया है जो कि बहुत इसकी हैवी क्वालिटी बना देता है, यहाँ पर बहुत अच्छी इसकी क्वालिटी की गई। अगर वायर में देखा जाए तो यहाँ पर प्लास्टिक की जिप भी लगाई गई है जो कि आपकी वायर भी ना खुली, यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जेम का MFA लगा हुआ 250 वाट BDC, यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही हैवी क्वालिटी का लगा हुआ है। तो आप दोस्तों अब आ रही आती इनको आप कितने वाट की स्पीकर में आप इसको यूज कर सकते हैं। दोस्तों आप इसको 300-200 वाट से लेके 300-400 वाट तक की स्पीकर में इसका यूज कर सकते हैं, दोनों 450 ट्विटर और 450 का नेटवर्क प्लेट। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका स्पीकर 500 या 500 से ऊपर का तो आप उसमें D518 का यूज करिए, क्योंकि आप जब एम्पलीफायर से लोड लेंगे तो स्पीकर के हिसाब से वो बूस्ट करेगा, जिस वजह से आपका नेचक जल सकता है या नेटवर्क प्लेट आपकी ख़राब हो सकती है, जिस वजह से मतलब पावर नहीं ले पाएगा। आप इसका आप सिंपल से बात समझिए, जैसे आपके एक टॉप में 300-300 वाट के स्पीकर पड़े हुए हैं तो आप उसमें इसका यूज कर सकते हैं। अगर आपका 400 वाट का भी स्पीकर पड़ा हुआ है एक टॉप में, दो स्पीकर आपके पड़े हुए एक में, तो आप उसमें भी इसका यूज कर सकते हैं 15 इंच के टॉप में। अगर आपके 12 इंच के टॉप में यूज है तो आप उसमें भी यूज कर सकते हैं 200-400 वाट तक के स्पीकर में। जी हाँ दोस्तों, आपको बेसिकली हमेशा याद रखना है कि आप हमेशा 450 के नेटवर्क प्लेट या 450 का जो HF आता है आप इसको 200-400 वाट तक के स्पीकर में यूज कर सकते हैं। अगर आपका स्पीकर इससे ज़्यादा बड़ा है, 500 वाट का, 600 वाट का, 700 वाट का, 800 वाट का है या कितने भी वाट का हो, इससे कोई मतलब नहीं, उसमें आप D518 या उससे भी बड़ा जो HF आता है आप उसका यूज करिए। अगर आप 500 वाट में इसका यूज करते हैं या इस HF पे यूज करते हैं तो आपका बार बार स्पीकर HF आपका बार बार जलेगा, आपको कोई रिस्पांस नहीं मिलेगा, आपको बार बार खर्चा आएगा। तो दोस्तों, मैं अगर इस HF की बात या इस नेटवर्क प्लेट की या क्रॉस ओवर की बात करूं तो दोस्तों ये क्रॉस ओवर आपको हमारे यहाँ मात्र और मात्र 450 रुपये में 6 महीने की वारंटी के साथ आपको मिल जाएगा। अगर ये बाई चांस आपका जलता है, आपका खराब होता है या कोई पार्ट टूटता नहीं है तो हम इसको आपको रिप्लेस करके दूसरा दे देंगे 6 महीने की वारंटी के साथ। इसका जो प्राइस होगा वो हम आपको 450 में 450 रुपये में आपको ये प्रोवाइड करवा देंगे। अगर हम 450 की ट्विटर की बात करें तो आपको ये हमारे यहाँ आपको मिल जाएगा मात्र 530 रुपये का ओरिजिनल
बेहतरीन क्वालिटी का 60 वाट का आपको 450 का आपको ये मिल जाएगा। तो दोस्तों मेरी वीडियो आपको कैसे लगे कमेंट करके बताइए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो आपको डुअल 18 पे टेस्टिंग के साथ उसकी टॉप की फिटिंग और हर चीज में आपको वीडियो आने वाला है, तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इस तरह की वीडियो आपको इस चैनल में मिलती रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय श्री राम।